पद्मपुर आखड़ा रे पीड़ित परिवार को भाववेगपूर्ण एंट्री टार्गेट रे शासक बिजेडी उपनिर्वाचन में बिजेडी विरोध में प्रचार पाई न्याय पाई लड़ुवा पीड़ित परिवार रणहुंकार पिहू अमृत गोविंद एमिते अनेक हाई प्रोफाइल मामला को रफा दफा कर दे पुलिस तेणु से पर लोके पद्मपुर पहुंची ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि मनीष शर्मा रही मनीष ये जो पद्मपुर उपनिर्वाचन लड़े खाली बीजेडी बीजेपी कांग्रेस भितर सीमित ना ये लड़े जमी लगुच कि साधारण लोकों भी लड़े जाइए कारण देखो तो पद्मपुर जो मैंने पहुँचा ये पर समस्त चिन्हाचना से पिहू कहतु तो, से अमृत कहतु तो, कि से गोविंद कहतु तो। दीर्घ दिन धरी इन न्यायर लड़े लड़ुं कि न्याय पाईपार ना तेणु एम बेस् क्षोभ रही तो एमाने पद्मपुर जीवा एमाने एंट्री कौन दर्शाऊ कौन पाई से पद्मपुर जाइछन्ती कौन तांकर प्रतिक्रिया मिलुछि मनीष निश्चित रूपे नीलिमा जो दुई दुनिया गस्तर न्यायपाई लड़े परिवार पद्मपुर आसी पहुँची एवं गत काली पद्मपुर बेहुरिया छक विरोध प्रदर्शन करते जो शासक दल बीजेडी रही टार्गेट करते जो नेता मंत्री संपुक्ति रही जो जघन्य हत्याकांड कथा कहतु शिशु चोरी कथा कहतु बा शिशु अंग तस्करी कथा कहतु ये जो मैंने संपुक्त अच्छा जो विधायक व मंत्री मैंने आज आसी पद्मपुर निर्वाचन जिते उपनिर्वाचन आसी बुली बुली घर घर बुली भिट भोट भिक्षा मागुं प्रचार कर सहित स्टार प्रचारक होती विरोध करने आज पद्मपुर दुदिनिया पद्मपुर गस्त कर गत काली पद्मपुर विरोध प्रदर्शन करते संध्या समय पाइकमाल छक विरोध प्रदर्शन करते आज बारटा समय विरोध प्रदर्शन करते ये हूँ सीधा सड़क दृश्य मुझे कैमेरा पर्सन को कहबी से देखेबे ये हूँ झारबंद अंचल जो झारबंद ब्लक रही आसिकी छक ढाई एठार विरोध प्रदर्शन करो आम सीधा सड़क प्रतिज्ञा ने पिहूर माँ अच्छा आम सीधा सड़क प्रतिज्ञा ना मैडम आज विधानसभा प्रमिला मल्लिक कहले जे आईन श्रृंखला उपर आलोचना करार ना तापर कहले किए कौन कला किए कौ जगार ये क्राइम कला आम से विषय आलोचना करने को आसीन तो कौन कह आज्ञा जो मंत्री प्रमिला मल्लिक कहले सी तो गोटे डाली चोरणी प्रथम आउ गोटे सेकेंड रे कहीं क्राइम कथा आलोचना हेनी क्राइम कथा आलोचना हेले जो हत्याकारी सत्यासत सामना को आसब जो मंत्री हत्याकारी मंत्री मानक पर्दाफाश हम सरकार असल मुखा सामना को आसब से लगे क्राइम कथा हेनी विधानसभा तालोले कौ कथा हम कि जो विधानसभा चलो कौ कथा करेंगे मंत्री माने मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को चलाउंट निज इशारे चल सब केस को चापुं आम पीड़ित परिवार न्याय पाईपारू ताल आम करूँ कौन आम जो पचास परिवार आम पीड़ित परिवार न्याय पाईपार आज पर्यटन वर्ष वर्ष धरी बीती जाऊँच न्याय दौना ताद्वर मुख्य खलनायक रोचान नेता मंत्री विधायक मान सरकार ताको घंट घोड़ाइवाई आज पर्यटन आमको सीबीआई तदंत दे पारे ताल आम बार द्वार होिका मागुच न्याय ताल सरकार रही कौन पर सरकार हटातु ओडा बचात कहीं सरकार ओडा को खाई सारे मो हाथ जोड़ी आम काली पद्मपुरवासी को भी अनुरोध करूँ आज पद्मपुर झारबंदवासी को भी अनुरोध करुचु तुरंत ए सरकार को हटातु ओडिशा को बचातु सरकार न हटिला पर्यटन आम भी न्याय पाईपरुन कहीं वर्ष वर्ष दीर्घ दीर्घ धर गोटे माँ अढ़े वर्ष हो गला मुझे संघर्ष करुच्ची कह आज पर्यटन मो पा मत मिल पारानी आज पर्यटन मो पा को मत ड्राप कर जो पुलिस डिपार्टमेंट चापर नेता मंत्री चापर पुलिस चापा है किस को तदंत कले कि मत खाली बाटर अटकई टोटाली तदंत ही कले कौन कहे जो दुदिनिया गस्त कर कौन कौन उद्देश्य रही यार प्रभाव पड़ निश्चिंत भाव प्रभाव पड़ आमर पश्चिम ओडिशा दुदिनिया गस्तर मुख्य कारण रही ये शासक विजु जनता दल सरकार को हटातु ओडिशा को बचातु जेहेतु ये नवीन बाबू सरकार रे गंडा गंडा मंत्री रही हत्याकारी आपण देखु मंत्री अरुण साहू परी हत्याकांड अभियुक्त मंत्री दिव्यशंकर मिश्र ममिता मेहर जे कि पश्चिम ओडिशार झील ताक टिक टिक करि काटि दिया गला किंतु आज पर्यंत कौन सी कार्यानुष्ठान हेला ना से भली भाव आपण महांगा इशु को देखु जे कि मंत्री प्रताप जेना जे कहते कि जे शांति प्रिय नेता बिली किंतु से अशांतिर कारण आमर महांगा निर्वाचन मंडल पांच पांचटा हत्याकांड से संपृक्त अच्छा
ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଯିଏକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ହଜାର ହଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ଆମେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ଅପହରଣ, ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଭଳି ମାମଲାରେ ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ 50 ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୋଲିସ ଙ୍କ ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଷୟଟା ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ଭାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି 1.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେ? ଆଜି ତଳକ ତ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ପାଇପାରିଲି ମୁଇଁ, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କରୁଛନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ଜବ ତଲକ ଥିବା ତକ ଆମେ କେବେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଯେଉଁ 50 ପରିବାର ଆସିଛୁ, ଆମେ ଗତକାଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପଦମପୁର, ପଦମପୁରରୁ ପାଇକମାଲ, ପାଇକମାଲରୁ ଆଜି ଝାଡ଼ବନ ଆସିଛୁ, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଝି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆଉ ମାଁ କିଏ ଏମିତି ତାରମାନେ ମର୍ଡ଼ର ନେ ହଉନ୍, ସେମାନେ ମର୍ଡ଼ର ହିଁ କରୁଛନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯେନ୍ଟା ବି ହେଉଛି ଆମର ସାଙ୍ଗେ, ଆଜି ତଲକ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ପାଇପାରିଲୁ, କାରଣ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଯାହା ବି ଅଛନ୍ ଆମର ସବୁ ଥାନାରେ ହିଁ ରଫାଦଫା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ତଲକ ମୋର ଭାଇର ଯେନ୍ଟା ମର୍ଡ଼ର ହେଲା, ଥାନା ବିର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସେଟା ମର୍ଡ଼ର କୁହାଯିବା, ଆଜି ତଲକ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ଷେ 2 ମାସ ହେଲାନ, ଫେର୍ ବି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲୁ। ଆଜି ତଲକ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନୁହେଁ ହେବାର ତାର, ଆଜି ଆମେ ସବୁ ପଦମପୁରରେ ବି ଆସିଲୁ, ଆଜି ଝାଡ଼ବଣ୍ଡରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଭୋଟଟା ବି ତା ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍, ସେମାନେ ସବୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦଉ। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅପିଲ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ମାନେ ପଦମପୁର ଭୋଟରକୁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆର କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷ, ରଖିଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା।